अभी हम बात करेंगे एसईओ के हवाले से। एसईओ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। हम अपने नॉर्दर्न एरिया से बात करें तो स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट और स्मार्ट टीवी की सहूलत फराहम करने में सर फहरिस्त नजर आता है एसईओ। जब भी हम अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बेहतरीन इंटरनेट हमें वहाँ पे मिलता है और वो एसईओ की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सेगमेंट भी उनकी जानिब से स्पॉन्सर्ड है और देसी चक्की मेकिंग का हम आपको प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं। इसी पर शकील अहमद जो कि हमारे बहुत ही बेहतरीन नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से एक स्पेशल सी रिपोर्ट तैयार की गई है, दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ शकील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे सेंटर यासीन में। यहाँ पे एक देसी चक्की आपको नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ पे ऊपर से नहर है यहाँ पे पानी का, तो एक मखसूस चीज़ है यहाँ पे लकड़ी को कुरेद के इसका एक मखसूस चीज़ बनाया जाता है। इसकी ऊपर साइड थोड़ी सी ऊंचाई में और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि यहाँ पे नीचे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। तो यहाँ पे जिसी पंखे टाइप के लगे हुए हैं, ये जो पानी है ये स्पीड में जाके उन पंखों के साथ लगता है और वो पंखों की मदद से ऊपर पत्थर को हिलाते हैं और उसके हिलने से आटा पीसता है। आजकल के ज़माने में ये चक्की लोग यूज़ नहीं करते, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक मन अनाज पीसने के लिए तकरीबन इसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं, जबकि जदीद जो मशीन है उससे 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो इस वजह से लोग आजकल जदीद मशीन यूज़ करते हैं, ये वाली चक्की यूज़ नहीं करते। ये यहाँ पे एक भाई ने अपने शौक़ के लिए रखा हुआ है। उसका कहना ये है कि यहाँ पे जो जायका इस मशीन में है वो जायका दूसरे जो जदीद मशीन है उसमें नहीं है, इसमें जायका ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये एक गोल पत्थर यहाँ पे बनाया जाता है। एक गोल पत्थर के जो वज़न है वो घूमने से वो अनाज पीसता है और ये आटा बन जाता है। फिर इसको ब्रिशर्स की ज़ुबान में डोर कहते हैं। ये लकड़ी के तख्तों से बनाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, इसको ब्रिशर्स की ज़ुबान में कड़ा को कहते हैं ये, और ऊपर जो पत्थर है इसको कड़ा को कहते हैं। इसका काम है अनाज की स्पीड को ज़्यादा और स्पीड कम करना है। इसको चलाता हूँ अभी तक, ये चक्किया ख़त्म हो गया है तो मैं इसको बाहर रखा हूँ। तो तुम वो देसी चक्की मेकिंग का प्रोसेस आपने देखा है और हमारे जो नुमाइंदे हैं शकील अहमद, उन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हमें दिखाया कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एसईओ वंस अगेन आपको बताएं तो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। अगर हम बात करें तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से वो बेहतरीन सर्विसेज हमारे लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे।